रिंगो, ग्राहक है, जाओ देखो। आपका स्वागत है। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। चाय अच्छी नहीं है लेकिन गर्म है। आपको ठंड लग गई थी तो एक रुमाल लाता हूँ क्योंकि अभी आपकी नाक बह रही है। उसके बाद गर्मा गर्म सोबा। हमारे यहाँ सोबा सबसे अच्छा है। खराब चाय बढ़िया सोबा, समझे? ए लूले, सोबा लेकर आ जल्दी। अपना खाना खत्म करो। तुम्हारे बाप को ज्यादा पैसे देकर मैंने तुम्हें खरीदा है। कोठे वाले मुझे उससे भी ज्यादा कीमत देंगे जब तुम गमार लड़कियों का वजन बढ़ जाएगा। खाओ। जाओ जल्दी, अगर उस दलाल ने यहाँ किसी को मार दिया तो मुसीबत हो जाएगी। और कुछ गिराना मत। अच्छा है ना? अब जाके लाया। चलो खाओ लड़कियों, खाओ इसे। क्या कर रहा है तू? कुत्ता है क्या? तूने कुत्ते को काम पे रखा है बे? मेरे बेटे को माफ कीजिए, रोज चीजें गिराना इसकी आदत हो चुकी है। रिंगो साफ कर। अभी करता हूँ। माफ कीजिए। मुझे इस कुत्ते को अभी सुला देना चाहिए। मैं कुत्ता नहीं हूं। तूने अभी कुछ भौंका क्या? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? मैं हूँ हाचीमोन, दलालों का दलाल। कोई भी हाची पे भौंकता नहीं। क्या बात है, ऐसी बंदूक पहले नहीं देखी। फ्रंट लोडिंग, ये जापानी तो बिल्कुल नहीं लगती। ये यूरोप से आई है ना? फिर तो ये बंदूक गैर कानूनी हुई। हाचीमोन दलालों का दलाल, बेशक। तुम्हारे बारे में सुना है, जिस गांव में जाते हो वहां की बेटियां जरूर खरीदते हो। ऐसा हथियार है मतलब तुम्हारे दोस्त ताकतवर है। तू हाची के बारे में इतना सब कैसे जानता है? मैंने तुम दोनों का पीछा जो किया है, मशहूर हाची और उसकी बंदूक का। ऐसी बंदूक मुझे बहुत पसंद है। बताओ ये बंदूक तुम्हें किसने दी? भाड़ में जाओ। बताओ मुझे ये बंदूक तुम्हें किसने दी? तू मेरी गोली को अपनी इस तलवार से रोकेगा? तुम मेरी तलवार के लायक नहीं हो, तुम तो इस चाकू के लायक भी नहीं हो। तुम्हें बंदूक चाहिए? रख लो इसे, रख लो। ये घटिया जगह से आई घटिया बंदूक है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जानना है कि ये तुम्हें किसने दी। चलो बताओ मुझे। हे जी शिंडो से खरीदा था। हे जी शिंडो, कहाँ है ये हे जी शिंडो? मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूँ। Thank you.
गंदे खून वाले हरामी घिनौनी आंखों वाले राक्षस हो, यानी तुम एक ओनरियो हो। आप मिल गए। मुझे लगा कि आप नहीं मिलेंगे, फिर मुझे ये रास्ता याद आया जो मैंने अपनी 7वीं सालगिरह पर लिया था इजुशी मठ के लिए, लेकिन मैं हल्का होने गया और खो गया, तो मैं तानुकी के एक झुंड के साथ 3 दिन तक सोता रहा, इसलिए जंगल के बारे में सब जानता हूँ। तो घर जाओ। मुझे घर नहीं जाना। देखिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी कुछ अच्छा नहीं कर पाया, पर अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे एक समुराई बनना है, आपकी तरह अपना शिष्य बना लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। एक झोंका एक पंछी को भटका सकता है, और तुम एक तूफान हो। रुकिए, मैं आपका सामान उठा सकता हूँ और आपको हर रोज बढ़िया सोबा भी खिलाऊंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा उस्ताद, कुछ भी करूंगा ताकि एक दिन आपकी तरह बन सकूं। मेरी तरह? आप अलग हैं, पर बहुत ताकतवर हैं। अंधेरे में भटके इंसान को चिंगारी रास्ता दिखा सकती है। शुक्रिया रास्ता दिखाने के लिए, आपने हर बार मुझे भटकने से बचाया। इस बार मुझे हेइची शिंडो और उन आदमियों का रास्ता दिखाइए जिनकी मुझे तलाश है। उनके मिलने तक मुझे सही राह पर ले जाइए या उनका कत्ल करने की ताकत दीजिए या मुझे मरने दीजिए। और तलवार बाबा को बुरे वक्त से बचाइए। Thank you.
कूदना चाहता है तो ठीक है, जा कूद फिर। तुझे लगता है तू हमसे लड़ेगा? तू एक अनाथ है। मुझे पता है तो क्या है, तेरी रखेल माँ ने खुद की जान ले ली क्योंकि तेरा बाप एक गोरा कुत्ता है। मैंने कहा था ना, इसकी आंखें कुत्ते जैसी हैं। आसमान से खजाना गिरा है। कटोरा भी साथ लेते जाओ, ठीक है? तुम अब तक गए नहीं क्या? तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ। तो फिर वहां जाओ अभी। अलविदा। ये धातु बहुत अजीब है। Thank you.
बहुत सर्दी है अभी। अच्छा होता अगर कोई गर्मा गर्म चाय बना देता। अच्छा होगा अगर कोई मुझे मेरा चिमटा पकड़ा दे। वो लंबा वाला। बहुत अच्छा होगा अगर कोई इस धातु पर अभी हथौड़ा चला दे। बहुत अच्छा होगा अगर कोई मेरी लय को मिला सके। चलो सब लोग जल्दी आगे बढ़ो। चलो चलो अगला। ये मुसाफिरनामा अवैध है। ये मेरे पति का है। साथ नहीं है तो अवैध है। अगला। वो नहीं रहे। टोकरियां मैं बनाती थी, वो बस बेचते थे। जाने दीजिए वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम्हें नियम पता है, बिना महरम के औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। अगला। मुसाफिरनामा। अगला। जाने दीजिए। जरा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे जरा सुनिए आप बता सकते हैं यहाँ से संभल कर चल बेवकूफ। माफ कीजिए, मुझे कहीं जाना है, पर क्योटो बड़ा शहर है। आप जानते हैं शिंडो डोजो किस तरफ है? शिंडो वो तो हमारा डोजो है। तुम्हें दाखिला लेना है क्या? तुम तो भिखारी जैसे दिखते हो। अगर आप मुझे बता सकें कि कहाँ है आपका डोजो तो मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, मठ वाले रास्ते से सीधे निकलो। जैसे ही कठपुतली के नाच के पास पहुंच जाओगे सामने डोजो होगा, वहीं मिलते हैं। शायद तुम भटक गए हो मुसाफिर। चलो अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मुझे तलाश है शिंडो डोजो की। जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये उससे बेहतर है, ये तो शिंडो भवन है। अगर तुम तलवार चलाने आए हो तो शौक से चला सकते हो। हम उसकी धार और भी तेज कर देंगे। मुझे जरूरी काम है, माफ कीजिए जाना होगा। वैसे मर झपटते पहले हैं, दाम बाद में पूछते हैं। पर तुम वैसे नहीं हो, तुम बहुत ही
नरम हो पर सख्त भी हो तो ठीक है मुसाफिर, कामो नदी के पूरब में जाओ। पुल पार करते ही अजीब मूर्तियों वाले मठ तक पहुंच जाओगे, वो वहां उस पहाड़ी पर है। उम्मीद है आज आपका धंधा अच्छा चले। ओह, एक रात का क्या दाम है और तीन रातों का? पैसे की चिंता मत करो, आराम करो और बस मजे लो। इससे पहले किसी लड़की के साथ सोए हो? फिर तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। गोल, ठोस, एक कद्दू की तरह इन्हें कस कर पकड़ सकते हो। पर इन्हें प्यार से हाथ लगाना नर्म है, मीठे चीकू की तरह। तुम्हें चीकू पसंद है? पसंद है। चलो हटो, राजकुमारी अकेमी के लिए रास्ता छोड़ो। हटो सामने से, रास्ता छोड़ो। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और मुझे पूरे मन से आपकी इच्छा स्वीकार है, पर अगर मैंने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये मेरी लापरवाही होगी। आपने उनसे बात की सकी? बताइए भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजकुमारी जी, पूछने के लिए शुक्रिया। आज सुबह मैंने एक बार उनसे जिक्र किया था और अब उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए कहा। जब आप उनसे बात करें तो अपनी आवाज जरा ऊंची रखें। तो क्या मैं एक छोटी बच्ची की तरह बात करूं? नहीं, एक औरत की तरह जो ये बखूबी जानती है कि उसे क्या चाहिए। पिताजी, माफ कीजिए, मैं आपको तुम हो एक दिन एक बहुत महान शासक बनेगा, जो चाहता है वो करता है और अभी ये खाने से खेलना चाहता है। पर तुम हमारी बेटी भूल गई हो हम क्या चाहते हैं, कि तुम एक महान आदमी से शादी करो और उसके साथ हमारा रिश्ता कायम करो। पर अब हमें पता चला है कि तुमने इस रिश्ते के बारे में अपनी एक अलग राय बना ली है। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और मुझे पूरे मन से आपकी इच्छा स्वीकार है, पर अगर मैंने अपने भविष्य के बारे में, अगर एक जानवर को मिठाई खिलाई जाए तो क्या होता है तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें पूरी जिंदगी ऐशो आराम जो मिला है, तुमने कभी उस गंदगी में पैर भी नहीं रखा। हमारे पिता जानवर पालते थे, इसलिए हमने देखा है जब जानवर को मीठी चीजें खिलाई जाती हैं तो पहले उसके दांत सड़ते हैं, फिर बीमारी धीरे धीरे उसके दिमाग तक फैल जाती है और फिर उसके बड़े होने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें जानवर की क्या गलती, उसने तो वही खाया जो उसे दिया गया। गलती तो उसे पालने वाले की है जिसने उसे मिठाई खिलाई। क्या मैं एक जानवर हूँ पिताजी? तुम्हें सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए, सच तुम्हें दिखाई नहीं देता। कई नवाबों ने तुमसे शादी करने के बारे में हमसे पूछा है। हाँ, आज सुबह ही एक अच्छी खबर आई थी, नवाब साइटो की बीवी जन्म देते हुए मर गई और उन्हें एक नई बीवी चाहिए।
वो आदमी एक बुढ़ा है, वो शराबी है और बच्चलन है। वो आदमी साल के 1,00,000 कोकू कमाता है। तो आपने मेरी ये कीमत लगाई है? मैंने तुम्हारी शादी नहीं करवाई तो वैसे भी तुम्हें उसके साथ कोठे पर ही सोना पड़ेगा। तो तुम्हें उसकी बीवी बनना पसंद है या उसकी रखेल? पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और मुझे पूरे मन से आपकी इच्छा स्वीकार है। मैं बस अभी डर गई थी क्योंकि वो आदमी यहाँ से दूर रहते हैं और मैं अपने पिता से दूर रहकर जीना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए किसी ऐसे को चुनिए जो पास रहता हो, जो मेरी रक्षा कर पाने के काबिल हो, जो हमारे वंश के हित में काम करे। मेरी बच्ची, मैं ये भूल गया था कि तुम अब भी मासूम हो, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद मुझे ऐसा पति चाहिए जिसे दुनिया की समझ हो और आपकी तरह दिक्कतों से लड़ा हो, जिसने उस गंदगी में पैर रखा हो। वैसे एक नौजवान काबिल सैमुराई के बारे में सैकी ने आज सुबह ही मुझे बताया था। पर सैकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करता है। सबसे अच्छे डोजो का सबसे अच्छा शमशेर, 24 लड़ाइयां जीती और हर बार दुश्मन को मार गिरा है। शाही परिवार से नहीं है, बाप कुहामा गांव में मछुआरा है, पर उसका सफर हमें अपने जैसा ही लगता है। वैसे क्या नाम है उसका? टाइगन, शायद यही था। अगर उसका हुनर वाकई बेहतरीन है तो उसे एक अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। हो सकता है यहाँ किले में तैनात किया जाए, तुम्हारे पिता के नजदीक। उम्मीद है वो तुम्हें मीठी चीजें मना करने में मुझसे भी बेहतर हो। एक, दो, तीन। सोना, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं बस ये मिठाई लाया हूँ। तो क्या मैंने अपराजित टाइगन को आज हरा दिया? इसे तुम सगाई का तोहफा समझ लो। तो उन्होंने हाँ कह दिया? सच कह रही हो? तुम्हें यकीन है? नवाब की बेटी एक गरीब मछुआरे के बेटे से शादी करेगी। अगर लावारिस होते तो भी मैं तुमसे ही शादी करती। कोई नया छात्र नहीं, किसी और डोजो में जाओ। मैं छात्र नहीं, मेरे पास शिंडो डोजो के उस्ताद के लिए एक जरूरी संदेश है। मुझे वो उन्हें खुद देना है। जो संदेश देना है तो मुझे दे सकते हो। संदेश उस्ताद के सिवा और किसी को नहीं दिया जा सकता। तुम मुझ पर भरोसा करो,
मैं उस्ताद तक वो संदेश पहुंचा दूंगा। और वैसे भी उस्ताद किसी संदेश वाहक से कभी भी नहीं मिलते। पर मुझसे मिलेंगे। तुम इस वक्त शिंडो डोजो में मौजूद हो, जहां 200 सालों से हम शिंडो रियू सिखाते आ रहे हैं। वो गुप्त तरीके जो पुजारी सोटो ने हमें बताए, जो उन्हें कुरामा पहाड़ी की बर्फीली चोटी पर खुद महान टेंगू ने सिखाए थे। बेहतर होगा तुम उनकी इज्जत करो। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। इसे यहां से इतनी दूर ले जाओ कि ये दोबारा यहां कभी लौट के ना आ पाए। चल खड़ा हो जा अंधे भिखारी। आपका उसूल है आप किसी मुसाफिर को खाली पेट नहीं लौटाते। मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे भूख लगी है। कहीं शिंडो डोजो अपने कायदे भूल तो नहीं गया? इसे खिलाना और फिर बाहर फेंक देना। खाओ और दफा हो जाओ। तुम मुझे सब दिखाओ। सही तलवार बनाने के लिए मुझे सारे दावों की जानकारी चाहिए, उसकी हर एक तकनीक। पर शिंडोरियो के दांव राज हैं। यहां सारे राज बेपर्दा हो जाते हैं। तलवार एक समुराई की आत्मा होती है, तो वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। धार मजबूत और तीखी होनी चाहिए और खूबसूरत भी। धातु को मिलाने के लिए उसे मोड़ते हैं, उसकी अशुद्धियां निकालने के लिए उसे पीटते हैं। धातु जितनी शुद्ध होगी उतनी ही मजबूत बनेगी, पर ज्यादा शुद्ध होने पर वो कमजोर हो जाती है। कुदरत ने जिस चीज को जैसे बनाया उसे वैसे रखना चाहिए। मुझे लगा कि कमियों को निकाल देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कमी सही जगह पर हो तो बनावट निखर जाती है। नरम धातु तलवार के बीच में और कठोर धातु किनारे के लिए। इन्हें मिलाने पर एक मजबूत तलवार बनती है। यह अच्छा तो है, पर अभी थोड़ी कसर बाकी है। तलवार क्या होती है? समुराई की आत्मा होती है। वो एक लकीर होती है। उस लकीर के एक तरफ जिंदगी है तो दूसरी तरफ मौत। हम जो धार बनाते हैं वो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को मिटाती है। खाना बनाने के लिए अच्छा है रसोई का चाकू। तुम ऐसे 1000 चाकू बनाओगे, उसके बाद तुम तलवार बनाने के लायक बनोगे। एक लोहार अपना नाम भी लिखता है। इतने साल हो गए, इस पर एक खरोच तक नहीं आया।
नहीं, इस धातु को कोई भी नहीं बदल सकता है। शायद ये धातु तलवार बनना ही नहीं चाहती। हर एक धातु एक तलवार ही बनना चाहती है। एक तलवार? अब तुम मुझसे चुराने भी लगे? मैंने इसे चुराया नहीं है, मुझे इससे सीखना है। एक शागिर्द तलवार चलाना क्यों सीखना चाहता है? क्योंकि मुझे एक महान तलवारबाज बनना है, दुनिया का सबसे महान तलवारबाज। क्या बस इतना ही? और तुम आखिर ऐसा तलवारबाज क्यों बनना चाहते हो? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे एक बात छुपाई रखी। मेरा चेहरा देखकर सब वो जान जाते हैं, पर आप नहीं जानते। पता है तुम बदसूरत हो, मुझे तो वैसे भी नहीं दिखता। आप ये नहीं देख सकते कि मुझे अपना चेहरा क्यों छुपाना पड़ता है। दरअसल मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है। कितने भी हथौड़े पड़े पर वो कमी दूर नहीं हो सकती। जब मेरा जन्म हुआ था तब पूरे जापान में सिर्फ 4 फिरंगी लोग थे। वो चारों नशा, हथियार और औरतों की तस्करी करते थे। उनमें से एक मेरी माँ को ले गया और फिर मेरा जन्म हुआ। एक राक्षस का, जिसका कलंक नहीं मिट सकता। मुझे उनके नाम तो नहीं पता, पर उनका अंत पता है। वो चारों मेरे हाथों मरेंगे, मैंने ये कसम खाई है। मैंने धातु के बारे में क्या सिखाया था? मजबूत तलवार में 2 तरह की धातु होती है, नर्म और कठोर, शुद्ध और अशुद्ध। तुम में कुछ कमियां हो सकती हैं, पर कुछ ताकत भी होगी। तुम रात में अभ्यास कर सकते हो। जल्दी निकल यहां से। अगर मुझे उस्ताद से मिलने देते तो ये नौबत नहीं आती। उस्ताद से कोई भी नहीं मिल सकता। मेरा जाना तब तक नहीं हो सकता जब तक उस्ताद से मुलाकात नहीं हो जाती। चलो अच्छा है, अब हम तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तैयार हो जाओ मेरे शिंडो रियो के लिए। शिंडो रियो की यही दिक्कत है, वो बकवास है।
सीखना आसान है और हराना भी। तुम्हारा गौरैया उड़ान दाव रोगनियों के मछवारे जाल दाव के आगे बेकार है। रोगनरियू के दावा आजमाओगे? नहीं, वो भी बकवास है। तुम कौन से डोजो से हो? तुम्हारा नाम और मास्टर? चलो बताओ। बच्चों से जीतना आसान है, अब मुझसे लड़ो। क्या आपके बाद महान टेंगू से भी लड़ना होगा? उस खिलौने को नीचे रखो और अपनी तलवार निकालो। फिर आप मर जाएंगे। टाइगर! एक नवाब की बेटी, बेहद खूबसूरत, वो मिल गई तुम्हें। और मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नौकरी भी मिलेगी, किसने सोचा था? मैंने। टाइगन, फौरन आओ, मुसीबत आ गई है। शिंडो डोजो को चुनौती देने की किसने जुर्रत की? माफ करना, पर तुम्हारे इस महान डोजो में सिर्फ कचरा। तुम तो कोहोमा गांव से हो। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? काफी तरक्की कर ली तुमने, अब अंधों के काने राजा बन गए हो। टाइगन, अब तक 24 लड़ाइयां जीत चुका है, तुमने कितनी जीती हैं बताओ? क्यों, गिनना था क्या? इस कमीने को जान से मार दो टाइगन, इसने हमारे शिंडो की बेइज्जती की है। बस तुम्हारे उस्ताद से बात करा दो, फिर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस परेशानी की जड़ को मैं खुद ही दूर करूंगा। अगर ये असली तलवार होती तो तुम मर चुके होते। तुमने तब मेरा एक नाम रखा था। टाइगन, तुम उसे हमारी बेइज्जती करने नहीं दे सकते। अब चलो, मारो उसे।
तलवार चलाने से डर लग रहा है क्या? शुक्रिया, अपनी तलवार के लायक कोई मिला नहीं था। ये तो मास्टर एजी की तलवार है। कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है और आज तुम्हारा दिन है। आप इस महान डोजो के उस्ताद हैं? छात्रों को कुछ ढंग का सिखाइए। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई संदेश है? एक सवाल है, कहां मिलेगा आपका भाई और काले बाजार का व्यवसायी हेइजी शिंडो? तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे भाई को ढूंढ सको? क्यों? हेइजी शिंडो तनाबे द्वीप पर बने एक किले में है, जहां गेंगिन कबीला उसकी रक्षा करता है। तुम्हारा उससे जो कुछ भी लेना देना हो, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आज भी कुत्ता है।
शुक्रिया, आपने रास्ता दिखाया। माफ करना, मैंने उसे यहाँ के बारे में बता दिया भाई, पर वो इतना ताकतवर था, उसने मेरे हर एक छात्र को हरा दिया। अपने छात्रों को कुछ ढंग का सिखाओ। समुराय, वो इंसान नहीं है, मैंने उसकी आंखें देखी हैं। वो चतुष्दांत दल, अपने उस चतुष्दांत दल को उस सामुराई के पीछे भेजो। कीमत दुगनी दौर के साथ खत्म करो। मेरे सफर शुरू करने का समय आ गया है। बदला सोने की तरह होता है, उसे जंग नहीं लगते पर वो तुम्हें मिटा देगा। मैं तैयार हूँ। तुम वहां अपनी जान गवा दोगे। मैं तैयार हूँ, सच में। आपका मुझ पर एहसान रहा। मेरा सच जानने के बाद भी आपने मुझे दूर नहीं किया, जबकि लोगों की नजरों में मैं एक अभिशाप हूं। मेरी आंखें ही नहीं हैं तो मैं अपना सकता हूं। मुझे अपनाने के लिए शुक्रिया तलवार बाबा। तलवार बाबा, कुछ और है जो मुझे आपसे कहना है? आज के लिए इतनी बातचीत काफी है। पर ये राज आपको जानना ही होगा। तुम उसे एक राज ही रहने दो। मैंने आपकी तलवारों को गंदा किया है। चुप। तुम मेरे पास एक बेवकूफ लड़के की तरह आए थे। अगर तुम अभी चले जाओगे तो एक बेवकूफ आदमी बनकर रह जाओगे। अगर तुम्हें जाना ही है तो तलवार साथ ले जाओ। मेरे पास एक तलवार है तलवार बाबा। चीकू, चीकू,
हुआ है समुराय के इस सीजन में? दुश्मन तो तुमने बना लिया है, बड़े दुश्मन। पूरा क्योटो एक ऐसे समुराय की बात कर रहा है जिसने शिंडो टोजो की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें जिसकी तलाश है वो मेरे साथ तो नहीं मिलेगा। जानता हूँ आपको मुझसे दूर क्यों रहना है, मेरा भरोसा कीजिए, मैं कभी किसी को नहीं बताने वाला कि आप एक लड़की। अगर दोबारा सामने दिखे तो मारे जाओगे। इतनी सफाई से काटा है। इतना बुरा भी नहीं है, हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे पिता उसकी इजाजत नहीं देने वाले। वो तो लड़ाई थी भी नहीं, तुम अभी तक हारे नहीं हो। मैं उसे ढूंढूंगा। तुमने मुझसे मेरा भविष्य और सम्मान छीना, तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे वो वापस मिल जाएगा। मैं पूरी जिंदगी एक कैदी बनकर रही हूँ, मुझे अब एक तानाशाह का कैदी बनकर नहीं रहना है, मुझे बस टाइगन को ढूंढना है। मैंने हमेशा महान बनने का सपना देखा है। तुम्हें लगता है तुम सबसे महान बनोगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है महानता क्या होती है। तुम्हें बदला नहीं चाहिए, बदले के लिए रुका नहीं जाता। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फाउलर के किले में घुसना नामुमकिन है, पर मुझे एक रास्ता पता है। एक प्रस्ताव। तुम्हारी आंखों में खून दौड़ रहा है। क्योंकि वो इसी लायक है। 10 साल से मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। बंदूकें तैयार रहेंगी? वो कब से तैयार? मैं तुम्हारा हर एक पहलू देखना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे। पीछे मत हटना। जिस रास्ते पर मुझे चलना है उसमें ना प्यार के लिए जगह है ना दोस्ती के लिए। मुझे ना पैसा चाहिए ना ही ताकत, अगर चाहिए तो सिर्फ एक चीज, मेरा बदला।